झोनक झोनक पर पायल आखी रोनक झोनक पर चम चम मनवा नाचे झनक झनक पायल बाजे गगन भी सुन कर झूम मधुर मधुर झनकार मधुर मधुर झनकार सोई धरती जाग उठी है सोई धरती जाग उठी है गूंज उठा संसार राग रंग भी साजे झनक झनक पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे चलिए देखो बाबा इस तरह गुस्सा दिखाने और शोर मचाने से कोई फायदा नहीं मेहरबानी करके बाहर चले जाइए जाओ भाई जाओ ना चलिए बाबा चलो यहाँ कंचनी कहीं की कुल को बदनाम करती है पैसे पर जान देती है देखो फिर वही तस्वीर जगह जगह हमारी बदनामी हो रही है यहां कौन रहता है दुनिया ही मेरे दिल की दुनिया ही मेरे दिल की मिटा दी
नर्तक मालूम होते हैं? जी हाँ। बड़ बड़ के बातें न कीजिए महाशय, अगर इतनी ही समझ है तो आइए मुकाबले में। लाओ जी तबला। Ha ha!
चलो बेटा अब नमन का तो डालो। लाओ जी पखावर, आप लोग भी भिजाएंगे? स्नान संध्या के बाद शिष्य गुरु को नमस्कार करने आता है, प्रभात का समय है। कहते हैं नृत्य, यह है असली नृत्य कला। चलो बेटा नीला देवी, क्या मंगल महाराज तुम्हारे यहां से गए हैं अभी? सारे देश में मान है उनका, ऊंची से ऊंची पदवी पाई है भारत नटराज की। मास्टर जी तो जानते ही होंगे उन्हें। जी खूब जानता हूँ, मगर भारत नटराज के खिताब की बात जाने दीजिए। उस उत्सव में असली हकदार मेरे पिताजी थे, मगर फैसला करने वाले पंचों की पिताजी से दुश्मनी थी, इसलिए उनकी जगह मंगल महाराज के हक में फैसला हुआ। मगर गुरु जी, उनके बेटे की जो कला मैंने आज देखी, उसके मुकाबले में तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे सिर्फ बाजारी नाचे सिखाया गया। जी, लेकिन तुम्हारे मणि बाबू का कहना था कि 6 महीने के अंदर अंदर देश भर में नाच का प्रोग्राम कराने के लिए जल्दी से जल्दी तुम्हें अच्छा नाच सिखाया जाए, और साथ साथ समूह नृत्य के लिए इतने सारे लड़के लड़कियों को भी तैयार किया जाए। 6 महीने में और क्या आसमान से तारे तोड़ लाता, इतनी मुद्दत में मंगल महाराज तो भाड़ भी न झोंक पाते। क्या कहते हो, इतने बड़े कलाकार की शान के खिलाफ मैं एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती। तुम मेरा अपमान कर रही हो, आज से मेरा इस हवेली में कदम रखना हराम है। वो नई धर्मशाला में उतरे हैं। धर्मशाला में उतरे हैं? कहीं तो आए हैं बनारस से। गिरधर, नीला के नृत्य के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो बिल्कुल अनाड़ी है बाबा, अनाड़ी। नीला कोई मामूली नाचने वाली नहीं बेटा, होनहार और सुशील मालूम होती है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मगर बाबा, अब तक जितनी भली बुरी लड़कियां हमने देखी, उनमें नीला ही सबसे अच्छी है। और फिर समय ही कहाँ है ज्यादा खोज के लिए। बरस भर ही तो रह गया है नटेश्वर मंदिर के मुकाबले वाले उत्सव में। मानता हूँ नीला पर मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी,
मगर मेहनत ही से भाग्य बनता है। मेरा भाग्य बना दो महाराज, मुझे अपने शरण ले लो, अपनी शिष्या बना लो। तुम्हें देखा देखी शौक हुआ है या कला की अर्चना से कह रही हो? नृत्य की अर्चना ही से पांव उठे हैं महाराज, जो मैं आपसे आप खींचे चली आई अपने गुरु के द्वार। तुम्हें बड़ी भारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। अवश्य, धन दौलत, गहना देवर, बाग बाड़ी हवेली। हमें तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए। मेहनत, रियाजत, श्रद्धा और तपस्या, एक सच्चे विद्यार्थी और त्यागी की तपस्या। मेरी परीक्षा ले लीजिए, आत्मा देखिए महाराज। हमारे पास परीक्षा के लिए समय नहीं है, हमें नटेश्वर मंदिर के उस इनामी उत्सव में शरीक होना है जो हर 10 बरस के बाद होता है बसंत बहार में। उसमें गिरधर जी एक नाच दिखाएंगे अकेले और दूसरे में एक स्त्री के साथ। हाँ, अगर ये मान जाओ तो स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य के लिए हमें तुम्हें शिष्या बनाना स्वीकार है। बाबा, कहना आसान है कर गुजरना मुश्किल, ये क्या जाने कला की कठिनता। महाराज आप कहिए तो सही, क्या आज्ञा है? रियाज की सख्तियां सहनी पड़ेंगी, आंसुओं के खून पीने पड़ेंगे, पैरों के छाले फोड़ने होंगे, लोहे की देह बनानी होगी। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है महाराज। जवानी की उमंगे और प्रेम प्यार की बातें, उनके बदले कला की सेवा और प्रभु की उपासना से आनंद लूंगी। एक सेविका की तरह पुजारिन बनकर जौवन का ऐसा जीवन बिताने को तैयार हूं। भगवान तुझे अपने इरादे पर कायम रहने की शक्ति दे। जा, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तेरे नए जीवन का उदय होगा। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। परीक्षा में पूरी उतरो और नटेश्वर की कृपा से तुम्हारा कल्याण हो। बधाई। खुश रहो बेटी। मुबारक हो नीला। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आइए। महाराज, ये है मेरे बचपन के साथी मणि बाबू। ओहो, साथी भी और सलाहकार भी। अगर ये सीखने में कुछ गड़बड़ करे तो आप मुझसे कहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुबारक हो भाई। गिरधर, तुम्हें नीला को पहला तोड़ा बताना है। आओ नीला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Ah.
राम, न जाने मालकिन को क्या सूझी, घाटे का सौदा कर बैठी है। एक तो नाच गाना छोड़ने से आमदनी बंद, उस पर खर्च दूना। ऐसे नाच महाराज लाकर बिठाए हैं घर में जिनसे तौबा ही भली। वहां धर्मशाला में रहते थे बैरागी बनकर, यहाँ हुकुम चलाते हैं राजों की तरह। ऐ देखो आज की खरीद पूरे 50 रुपए की है। चुप रहे। उधर देख, उधर देख, बेचारी मालकिन नाच की तालीम में अपना खून बसना ये कर रही है और तू यहाँ बैठी बैठी अपना रोना रो रही है। उठ। बैठ नीचे, बैठ और अपने स्वामी के चरण छू की शपथ ले। चरण छू, तेरा पति तेरा कल्याण करे, कल्याण करे। अच्छा तो अब तुम शपथ लो, अपनी स्वामिनी के सर पर हाथ रखकर। कहो क्या कहो? कहो क्या कहो? मैं बदलू बिंदिया रानी का दास, बिंदिया रानी का नीला देवी का नौकर। प्रण करता हूँ कि मैं टमाटर की तरह पिलपिला, कद्दू की तरह फुसफुसा और बैंगन की तरह बेगुन रहूं। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कल्याण कल्याण करे या परेशान करे, आप ही देखता हूँ क्या करे। अच्छा परेशान तो परेशान। मैं तो मजा कर रहा हूँ, तू खबर ले लो। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। मणिलाल आज राधा कृष्ण नृत्य की पक्की तालीम है, देखना इतने महीनों में नीला ने कैसा कमाल हासिल किया है। आओ आओ मणिलाल बैठो। गिरधर तैयार हो ना? जी बाबा। चलो शुरू करो जी। प्राण 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 धा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झना नन झना नन झना नन 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 कान 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 धाता, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झना नन झना नन झना नन 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 मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 ताजे हैं। ताथे थे तत कितने में दी दिखाई राधा 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 मुस्काय रही बल खाय रही तिन 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 इधर बंसी में लहर सी उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छन नन 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 पर आप ही आप से बजने लगी बजने लगी बजने लगी। लंबा सा घूंघट काट लिया बंसी के धुनों पर झूम गई धर धर पे गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुमकिट 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 धुम गई कृष्ण कन्हैया नट घटने राधा की कन्हैया धाम लई राधा ने पुकारा राधा ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मुरी कहा कृष्ण ने सुपर है वरना दूंगा डगरिया छोड़ तुरी। राधा तब उसकी शोकी पर कुछ बिगड़ी भी मुस्काई भी फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम क्या नाम है जी क्या काम है जी क्या काम है जी इंद्र कटका कथा 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 हमें गोप गोवाला कहते हैं हमें गोप गोवाला कहते हैं और कृष्ण दिया है नाम हमें
कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है, और कोई कहे घन श्याम हमें दिया और कृष्ण ने उनका साथ दिया। कुछ बात हुई, कुछ घात हुई, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की लाग उठी, राधा तय कह दूंगा धागे देगा धा चिंता धागे रैन को दीप संवारे थे और नील गगन पे तारे थे। राधा को विदा के इशारे थे। राधा ने आंचल बांध लिया, मुरली को संभाला माधव ने, गदिगिन था। गिरधर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश नीला, शाबाश। अब जाओ बच्चे, जाओ। क्यों मणिलाल, क्या ख्याल है? कमाल है कमाल महाराज, जैसे सचमुच के कृष्ण और राधा। यही तो खूबी है असली कला की। अजी खूबी कहिए या खराबी, क्या मतलब? यही कि इस तरह कलाकारों में एक दूसरे से गहरी दिलचस्पी यानी मोहब्बत पैदा हो जाने का डर है। मुझे जरा भी डर नहीं। मेरा गिरधर सुंदर से सुंदर कुमारियों के साथ नृत्य करता आया है, मगर क्या मजाल, पांव फिसल जाए या मन मचल जाए। जब तो ठीक है महाराज, आप जानते हैं कि मुझे नीला से। हाँ हाँ मणिलाल, तुमसे ज्यादा मुझे अपने गिरधर का ख्याल है, मगर भरोसा रखो, हमारे घराने के लोग भारत नटराज की पदवी पा लेने के बाद ही शादी ब्याह का नाम लेते हैं, और फिर शादी करते भी हैं तो प्रेम प्यार की नीयत से नहीं, सिर्फ अपने कुल का नाम और कला को जिंदा रखने के लिए। क्या समझे? आपकी बातें मेरी समझ के बाहर हैं, फिर भी समझ गया महाराज। नमस्ते मणिलाल। नमस्ते। 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 वाह 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 नीला, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैं जानता हूं कि कला में नकल को असर कर दिखाना तो चाहिए, मगर इस दर्जे तक नहीं जिससे उसका असली जीवन पर कोई गहरा असर पड़े। वाह, तुम भी कैसी बातें करते हो। खैर आज तुमने वाकई कमाल कर दिया। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। तुमसे यही उम्मीद है मणि बाबू। कोई बात नहीं नीला, अगर और रुपयों की जरूरत पड़े तो बदलू को भेजकर मंगवा लेना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी शोहरत के लिए, इस राधा के लिए। मगर याद रखना, कहीं सचमुच राधा न बन जाना गिरधर की।
हैं गिरधर के। बात तो पते की कही मनी बाबू ने, आखिर किसी की तो होना ही है तुम्हें एक ना एक दिन। मैं किसी की नहीं होना चाहती अभी। आज तुमने कुछ सुना? जी मालकिन ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला किया, भाई बहुत ही अच्छा फैसला किया। तो फिर तुमने अपने लिए अच्छा फैसला क्यों ना किया? तुम्हारा हमारा किस्सा ही अलग है। ये शादी ब्याह का झमेला जी का जंजाल है, नहा खतरनाक जुआ है। क्या? ये और बात है कि इस जुए में हम दोनों की शानदार जीत हुई है। जी है जी, याने याने कि तुम्हें पति मिला वो ऐसा नेक, और मुझे पत्नी मिली वो लाखों में एक। नट खट नट खट नट खट नट खट नट खट क्यों क्यों बंद क्यों कर दिया? कहाँ से सीखा बदलू? जी शादी से पहले मैं एक अमेरिकन साहब के पास मोटर ड्राइवर था, उनके हमेशा ऐसी खटपट हुआ करती थी। मैं देखा देखी सीख गया। बिंदा को थोड़ा बहुत सिखाया मैंने। बड़ा ऊट पड़ा ना चाहिए, आपके लायक नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं मालकिन, आपसे कभी नहीं होगा। नहीं हाँ। क्यों ना होगा, हम जरूर देखेंगे और नाचेंगे। बदलू चलो शुरू करो। खट्टू पट्टू खट्टू पट्टू खट्टू पट्टू 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 खट्टू पट्टू नशे में हो क्या? महाराज वो नाच ही ऐसा है जिसे देखकर नशा आ जाए। आप सचमुच गुरुओं के गुरु हैं। गिरधर जी को किस गजब का विलायती नाच सिखाया है? विलायती नाच गिरधर को? हाँ कभी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नाच नाचना पाप है। होगा महाराज, मगर है मजेदार पाप। मजेदार पाप? गिर गए हो
आसपास नाचने लगे। निर्लज्जा, बेशर्म, कुर, निर्भय, पापी, चपट। क्या हुआ? मेरा पाँव। अरे देखते क्या हो? उठा के ले चलो इसे। संभाल के नीला, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बुरे आदमी हो। लेकिन मेरी भी तो सुनो। बदलू जी, इसमें से थोड़ा मरम गरम करना जी। देखो ज्यादा गरम नहीं करना जी। बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो मैं भी आता हूँ। आइए चलो। मुझे माफ कर दो गिरधर, ये सारा दोष मेरा है। मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मेरे ही कहने से तुम उस मनहूस नाच में शामिल हुए। अच्छा होता जो तुम्हारे बदले मुझे सजा मिली। ये आंसू क्यों? इतने दुखी ना हो। मैं जानती हूँ गिरधर, दुख कहने में आसान है, सहने में कठिन। काश कि मैं तुम्हारा दर्द बांट लेती। तुमने तो अपने हमदर्दी से मेरा सारा दुख ले लिया। बांटने की बात ही कहाँ रही। चलो हो गया। दर्द होता है बेटे, ये न समझना कि तुम्हारी तकलीफ से मेरा दुख कुछ कम है। तुम्हें मारपीट की है, मेरा कलेजा फटता है। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल रोने लगता है। तुम्हारे खून की एक एक बूंद पर मेरी नस नस भिड़क उठती है। मेरा दिल मुझसे कहता है इस बेचारे ने मां का प्यार नहीं देखा, सुख से बैठा नहीं, चैन से सोया नहीं। इस पर तरस खाओ। मगर नहीं, अभी नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक तुम नृत्य कला में भारत नटराज की पदवी हासिल करके गिरधर महाराज न कहलाओ। रोटी क्यों हो? ये जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। आओ बैठो मेरे पास। आंसू पोंछ डालो। बिंदिया, गिरधर जी का खाना ये तैयार है। मालकिन क्या बात है बदलू जी? खर्च के रुपए चाहिए। अगर आप मनी बाबू के नाम चिट्ठी लिख दें तो उन्हीं से कुछ और। नहीं, मनी बाबू से आइंदा रुपए लेने की जरूरत नहीं। ये लो। जो काम अपने हाथों, जब देखो कुछ ना कुछ किए जा रही हो, कहीं दुश्मनों की तबीयत खराब ना हो जाए, कभी आराम भी कर लिया करो। नहीं बिंदिया, मुझे इसी में आराम मिलता है और शायद उन्हें भी। देखता था कि उठकर अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ या नहीं। देखो है, ये क्या करते हो? चलना नहीं। वाह, क्यों नहीं, ये देखो। आहिस्ता, संभल के
अरे अरे ऐसी बेसब्री, चलो बैठो। परसों है महाशिवरात्रि, मैं अगले हफ्ते समझे बैठा था, मुझे आज ही बनारस जाना होगा भगवान के दर्शनों को। आपको जाना होगा? हाँ अभी। और मैं बाबा? मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं, तुम अभी सफर के काबिल नहीं, तुम्हें ज्यादा चलना फिरना न चाहिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहां से अपने नृत्य की खास पोशाकें लेता आऊंगा। नीला, बहुत दिनों से शिवतांडव नृत्य की तालीम नहीं हुई, तुम उसी का रियाज करते रहना मेरे पीछे, समझी? बदलू ये सामान ले चलो बाहर। मैंने टांगा रोक रखा है। हाँ हाँ टांगा रोक रखा है। अच्छी बात है। ये ले। कहाँ रखे? गधा। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। पांव संभाल कर रहना। Jhanak
नीला, कैसे जान लिया कि मैं हूं? हवा ने कहा, कानों ने सुना और दिल ने गवाही दी। आज शायद तालीम नहीं होगी। किसने कहा? हवा ने कहा, कानों ने सुना और दिल ने गवाही दी। हवा ने तो नहीं कहा, अगर तुम कहो तो आज तालीम नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं होगी? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? आंखें? जी। यहाँ। वहाँ क्या है? पांव। पांव के नीचे? जमीन। और जमीन के ऊपर? तुम और मैं। और मैं पूछता हूँ, ये क्या है ये? ओह, ये किसी ने रंग बिखेर दिए हैं। कौन है वो सरफिरा? जी, वो सरफिरा मैं हूँ। मैंने ये नक्शा बनाया था एक नए नाच का, किसी सरफिरे के लिए, मगर उसके पैरों में आंखें नहीं। ऐसी ही बात थी तो पहले से कह दिया होता। खैर छोड़ो, चलो हटो यहाँ से। उधर नहीं, इधर। इधर नक्शा बनाते बनाते कमर टूट गई, उधर आप महारानी साहबा बड़े ठास से आई और हमारी मेहनत बर्बाद कर चली। मुझे मालूम न था, माफ कर दो, भूल हुई। भूल हुई? हमारी जान गई, आपकी अदा ठहरी। अब चली जाओ यहां से, भगवान के लिए चली जाओ। जाओ भी। तबीयत कुछ नरम गरम है। तालीम बिना जी उचाट है बच्चों। उचाट मन के दो इलाज है, या खाट या बाट। मतलब? मतलब साफ है, या तो थोड़ी देर खाट पे लेट रहिए, या तो किसी बाट घूमने चले जाइए। ये कैसे हो सकता है बच्चों? नीला को अकेला छोड़कर चले जाना। क्यों विद्या? आम तोड़ने आई थी। आम। आम। कैसी है उनकी तबीयत? जी अच्छी है, वो जरा नदी किनारे टहलने जा रही है। टहलने जा रही है अकेली? जी नहीं, मेरे साथ। तुम्हारे साथ? तो चलो बदलो, हम भी जाएंगे घूमने। हाँ, नदी किनारे? नहीं। हाँ हाँ, नदी किनारे। Thank you.
कहीं और जाके घूमे, हमें परेशान न करें। अच्छा देखो जी, हमें परेशान न करो, तुम लोग कहीं और शेयर करो। हाँ बिंदिया, कह दो उनसे कि उन्होंने कह दिया और हम मान गए, हम यही घूमेंगे। जी घूमेंगे, नाचेंगे। बदलू कह दो उनसे। हाँ मैं अभी कहता हूँ, अभी कहता हूँ। हम क्या किसी से कम है, हम यही झूमेंगे, नाचेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ। मुझे मालूम है क्या कहना है। देखो जी, अगर इस छेड़खानी रही तो हमें गुस्सा आ जाएगा। खबरदार, मालकिन ने कभी भी कहा गुस्सा आ जाएगा। पूरी नमक मिर्च लगा रही है, झगड़ा लू कहीं। देख देख, मुझे ताव दिला वरना तेरा सर फोड़ दूंगा, समझी। संभालो जी अपनी नौकरानी को, झगड़ालू है झगड़ालू। संभालो जी अपने आदमी को, भालू है भालू। कौन मैं? मदन। और तुम? रति।
मन कैसे मारूं प्रीत का बान गए कहो कि मैं इंतजार कर रहा हूं। वो नीला, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, तुम्हारी मालकिन का इंतजार कर रहा हूं। वो घर में नहीं है, घूमने गई है। घूमने गई है? अकेले नहीं, गिरधर जी के साथ। मैं ये नहीं पूछता किसके साथ। जब आओ घर में नहीं, जब सुनो घूमने गई है। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। इसे हाथ नहीं लगाना। बनारस हो आए, अच्छे रहे। हाँ मणिलाल, मगर इधर की चिंता भी लगी रही, नीला के रियाज की। होता रहा ना? जी हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहा होगा। गिद्धर जी वक्त गंवाने वाले नहीं, बड़े ही अच्छे हैं।
अब आते ही होंगे घूमने फिरने के बाद। मगर ये भी कोई घूमने फिरने का वक्त है? वक्त तो अच्छा है। मतलब? यही कि शाम के सुहाने समय कल्पना और कला का खूब साथ रहता है। देखो मणिलाल, अगर तुम मेरे दिल में नीला और गिरधर के खिलाफ कुछ शक डालने की कोशिश कर रहे हो तो बेकार है। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे अपने गिरधर पर पूरा पूरा विश्वास है। और मुझे महाराज पर, मगर अपने आप पर नहीं। जवानी का क्या भरोसा। अच्छा नमस्ते। बाबा कल्याणमस्तु। आज तालीम नहीं हुई? नहीं बाबा, नीला की तबीयत अच्छी नहीं, जरा घूमने चले गए थे। मेरे पीछे कोई रियाज नहीं हुआ? हुआ बाबा। कौन से नृत्य का? शिव तांडव का ना? नहीं, फिर रति और मदन का। तो मणिलाल ठीक कहता था। क्या बाबा? तुम जानते हो मैं बनारस क्यों गया था? महाशिवरात्रि के लिए और अपने यहां से घूरू और पोशाकें लाने। ये रही वो पोशाकें और वो सामान, इन्हें अच्छी तरह से देखो, इनसे ज्ञान लो। यही है अपने घराने की इज्जत के दीप, जिनकी जोत जलाए रखना तुम्हारा दीन, जिनके लिए नटेश्वर उत्सव में जीत पाना तुम्हारा धर्म। वो धर्म उस लड़की के साथ घूमने फिरने और समय व्यर्थ गंवाने से पूरा न होगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं जानता हूं कि इस भूल में तुमसे ज्यादा उस मूर्ख लड़की का दोष है। अगर फिर कभी तुमने ऐसी भूल की तो हम इस घर में एक पल भी न रहेंगे। अच्छी तरह से याद रखना, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कर बिखरे बाल तो अच्छा, आज जैसे दिखती हो वैसे ही नृत्य की तालीम होगी। विरह की नृत्य की तालीम। विरह? हाँ विरह। चलो जी शुरू करो। जोगिया राग। एक दो। विरह की आग में तड़पती हुई प्रेयसी सिंगार करके अपने प्रेतम की राह देख रही थी। प्रेतम नहीं आए। नाराज तो नहीं? नहीं नहीं। वो निराश होकर अपना श्रृंगार गहना और जेवर उतार कर फेंकने लगी। केतर मुझसे छुपाओ नहीं, मैंने महाराज के इतने शब्द तो जरूर सुने थे कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तूने अधूरी बात सुनी। तो पूरी बात क्या है? महाराज का
ये कहना है अगर हम तुम घूमने फिरने में समय बर्बाद करते रहे तो वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सर ज्यादा झुक गया, ऊपर उठाओ और ऊपर। हाँ ये आंसू नीला, क्या तुम्हें फुर्सत है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो जी, एक को साई दूजे को बधाई। अब तो गिरधर के साथ खुले बंदों प्रेम के पेंग बढ़ाने लगी। क्यों ना हो, दिन रात का साथ जो ठहरा। सुनो नीला, आज से महाराज और गिरधर मेरे घर मेहमान रहेंगे। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है उनके यहाँ रहने से? बहुत बड़ी तकलीफ। मैं तुम्हारे और गिरधर के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ तालीम और रियाज के लिए यहाँ आएंगे और बाकी वक्त वहां। यहाँ तो कोई कसर न छोड़ी आग लगाने में, वहां ले जाकर उनकी जिंदगी दूभर करना चाहते हो। अब तुम्हारी ये चाल न चलने दूंगी। ये चाल नहीं, मेरी ख्वाहिश है नीला, और मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत को ठेस लगे। मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल ही कब की थी। मोहब्बत न सही, मेहरबानी तो कबूल की, मेरे एहसान तो उठाए। हाँ, तुम्हें एक शरीफ समझकर, मगर अब तुम शराफत से गिर गए हो। मैं इतना शरीफ भी रहना नहीं चाहता कि शराफत मुझ पर बुजदिल होने का शक करे। तुम्हारी बुजदिली तो साबित हो चुकी, कायरों की तरह महाराज के कान भरने और हमारे खिलाफ जहर उगलने। बस गिरधर और महाराज यहीं रहेंगे, अगर तुम्हें ये गवारा न हो तो। मैं यहाँ ना आया करूं, यही ना तुम्हारा कहना सर आंखों पर, क्योंकि दिलो जान से चाहने वाले खूबसूरती के आगे सर झुका देते। नीला, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो, शैतान। बेशक शैतान, औरत इंसान को क्या से क्या बना देती है। अब जाओ, तुम्हारा भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हर तरह से खिदमत को हाजिर हूं। बड़ी घुल मिल के बातें हुई मणि बाबू से। अच्छा, तुम्हें जलन हो रही है, पर तुम्हें क्या, तुम तो महाराज के कहने पर मेरा घर छोड़कर चले जाओगे। ऐसी फिजूल बातों से मेरा दिल न दुखा। अच्छा जी, ये नई बात मालूम हुई आज, कि तुम्हारे भी दिल है। देखो नीला, अगर ऐसे जली कटी कहोगी तो मैं सचमुच घर छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे शिव जी चले गए थे पार्वती को छोड़कर, फिर जानते हो क्या हुआ? पार्वती भेलनी के भेष में शिव शंकर की खोज में निकल खड़ी हुई।
कल नृत्य होगा। कौन सा? विश्वामित्र मेम का। Thank you.
महर्षि तपीश्वर विश्वामित्र ने हजारों वर्ष की तपस्या से तीनों लोक पर अपनी धाक बिठा दी। गिरधर, तुम विश्वामित्र पद्मासन डालकर बैठ जाओ। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से सृष्टि के मुकाबले में एक निराली दुनिया बनानी शुरू कर दी। देवलोक में खलबली मच गई, इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रदेव ने घबराकर विश्वामित्र का तप भंग करने का कठिन काम अपनी सभा की सबसे सुंदर और चतुर अप्सरा मेनका के सुपुर्द किया। नीला, तैयार हो ना? मेनका आकाश से पृथ्वी पर उतरी। हजारों वर्ष की तपस्या एक अप्सरा के छल बल से खंड खंड हो गई। मेनका ने विजय पाई और विजय के नशे में जोर झूमती हुई चली गई। उसी तरह
नीला, तूने गिरधर की 20 वर्ष की तपस्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने महाराज, मैं ऐसा क्यों करने लगी? अपने लिए, अपने स्वार्थ और मोह के लिए। क्या ये सच नहीं कि तूने गिरधर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया? लेकिन महाराज, मेरा प्रेम पवित्र प्रेम है, मैं सौगंध खाती हूँ। झूठे सौगंध खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भूल गई तूने क्या प्रतिज्ञा की थी कि कला को भगवान समझकर उसकी पूजा और उपासना में मग्न रहूंगी, प्रेम प्यार की बातों को दिल में जगह न दूंगी। वो प्रतिज्ञा अभी तक इस घर के दरों दीवार से गूंज रही है। चलो बेटा, अब हम इस घर में एक पल भी न ठहरेंगे। ऐसी निर्लज नर्तकी और निकम्मी औरत के घर में। इसे दोष न दीजिए। मुझे नीला से प्रेम है। तुझे नीला से प्रेम है और तेरी नृत्यकला? नृत्यकला से भी ज्यादा। नीला के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नृत्यकला, घर बार, नटेश्वर उत्सव, भारत नटराज की पदवी। बेशम, बेअदब, निकल जा यहां से। इसे नीला से प्रेम है, नीला से प्रेम है, नीला से प्रेम है। मैं समझता था कि मेरा गिरधर, खैर जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। मेरी ही हार हुई। ऐसा न कहिए महाराज। पहले मौत ने गिरधर की माता को मुझसे छीन लिया, अब तूने गिरधर को मुझसे छीन लिया। आखिर क्या मिला तुझे जो तूने मेरे बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा छीन लिया? इस तरह ची बुरा न कीजिए महाराज। मुझ निकम्मी औरत पर अपने कीमती आंसू न बहाइए। आपकी शिष्या सब कुछ करने को तैयार है, कहिए तो उनसे बोलचाल बंद कर दूं। जबान बंदी से आंखों के इशारे बढ़ जाएंगे। उससे मिलना जुलना छोड़ दूं। उससे प्रेम के शोले भड़क उठेंगे। उनसे कहीं दूर चले जाऊंगी, बहुत दूर। वो तेरी तलाश में आवारा हो जाएगा। मैं उसके पैरों की शक्ति पहचानता हूं। वो तेरी खोज में धरती पाताल एक कर देगा। तो मैं अपने प्राण दे दूं? इसका पाप भी मुझे पर डालना चाहती है? तो फिर क्या करूं महाराज, मैं क्या करूं? अब तू कुछ नहीं कर सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। वो क्या महाराज? तुम दोनों को छोड़कर मैं ही कहीं चला जाऊंगा। मगर महाराज, आप क्यों आशाएं, वो उम्मीदें, वो सुनहरे सपने? उन्हें तेरे दिल भरे घुंघरों की निर्दय ठोकरों ने मिटा दिया। अब उनकी मिट्टी को अपने टूटे हुए दिल में बांधकर गिरधर की माता की समाधि पर जा बैठूंगा और अपने बर्बाद जीवन की रही सही घड़ियां गिनते गिनते उस स्वर्गवासिनी के ढेर पर ढेर हो जाऊंगा। महाराज, हे भगवान, क्या करूं, क्या करूं?
मन को चली राम के साथ में सुख को ठुकरा दिया त्याग के कांटों पर हंस के चलती रही ये जनक की सुता महलों का त्याग किया ले एक तारा चली ढूंढने मनमोहन का कहां पता जाना है अगर कोई हर्ज ना हो तो मेरे साथ आओ मैं पहुंचा दूं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना आप जाइए चलो ड्राइवर नीला ये क्या फिर इनके साथ हाँ आखिर ये मेरे पुराने दोस्त हैं तो क्या मुझसे तुम्हारा प्रेम एक ढोंग था ठकुसला था हाँ फिर तुमने मुझे धोखा दिया अपना मतलब निकाला हमसे कला सीखी कला के लिए नहीं बल्कि ऐसे धनवानों से सोने चांदी का अंबार बटोरने के लिए हाँ, हाँ, हाँ। बेशर्म बेहया हर जाई साथ ले चलो आपका कहना ठीक निकला नीला का झूठा फरेब जाहिर हो गया वो मतलब भी है मैं उसका फिर कभी नाम भी नहीं लूंगा गुस्सा जाने दो बाबा माफ कर दो अपने गिरधर को माफ कर दो शांत हो जा शांत हो जा हमें अब इस घर में शांति न मिलेगी बाबा चलिए इस घर से फौरन चलिए मैं अभी सामान लेकर आता हूं चलिए बाबा सोचते क्या हो नटेश्वर उत्सव के लिए चिंता न करो उसके लिए हम कोई दूसरे शिष्य ढूंढ निकालेंगे चलिए चलो अच्छा हुआ अपना पिंड छुटा इन पाखलियों से मगर अब मालकिन का क्या होगा होगा क्या मनी बाबू के साथ ब्याह होगा ब्याह होगा आ? तुम क्या जानो किसी के दिल की बात तुम्हारे दिल हो तो अरे अपना दिल तो मोटर का दिल है पेट्रोल हो तो झटपट वरना फट फट आखिर देख लेना मेरी बात सच निकलेगी आने दो मालकिन को हाँ हाँ मैं अभी जाकर मालकिन को बुला लाती हूँ गाड़ी रोक लो मुझे निकल करने दो यहाँ मैं तो समझा था कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी नहीं उस वक्त मैंने गिरधर के सामने बहाना किया था ये क्या ढोंग है नीला उधर गिरधर को चकमा इधर मुझसे धोखा हाँ धोखा सबको धोखा अपने आप को भी धोखा नीला ठहरो नीला चले जाओ वाली बाबू मेरा पीछा न करो नीला मैं कहती हूँ चले जाओ नहीं तो मैं नदी में कूद कर जान दे दूंगी डूबना है तो डूब मर तू जैसी बेशर्म औरत के लिए ऐसी ही मौत अच्छी धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज
नहीं नहीं, मैंने झूठी शपथ नहीं खाई। मेरा प्रेम पवित्र है, निष्कलंक है, मैं धोखेबाज नहीं। दुनिया कुछ भी कहे गिरधर, लेकिन तुम मुझे ऐसा न कहो, मेरा दिल न तोड़ो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी कला की बढ़ाई के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए। नहीं नहीं, मैं कहूंगी नहीं। बड़ी भाग्यवान हो देवी, भगवान की दया ने तुम्हें डूबने से बचा लिया। जाने के बदले अपने पास बुला लेते भगवान तो अच्छा होता। ऐसी बातें मैं करूं देवी? मुझे देवी न कहो, मैंने बड़ा भारे अपराध किया है। मैं किसी की दया के लायक नहीं, मैं पापी हूँ, पापी, महापापिन। कौन है? एक बड़ी अच्छी नर्तकी मिल गई है, नई नई आई है, उसे चलकर देख लीजिए। जरूर देखेंगे, आज ही बल्कि अभी। चलो बेटी आइए आइए, तशरीफ रखिए, मैं उन्हें बुला लाता हूं। कौन ये? जी हाँ, आपकी पुरानी शिष्या रूपकला। पुरानी शिष्या? हाँ महाराज, आपकी पुरानी दासी। देखती क्या है चरण झूले महाराज के। क्षमा कर दीजिए महाराज। क्षमा कर दू तुझे, जिसने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए मेरे सुनहरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, मेरे पास एक बागारी नर्तकी के लिए कोई जगह नहीं। नाटक ने हमें कहीं का न रखा महाराज, हम बर्बाद हो गए, हम पे तरस खाइए। मेरी रूप कला को एक बार फिर मौका दीजिए महाराज। महाराज जरा सोचिए तो, अब आपके पास वक्त ही कहाँ है किसी दूसरी को तैयार करने का। आखिर इस पर भी आपने बहुत मेहनत कर रखी है, उसका कुछ तो फायदा उठाइए, मान जाइए। अच्छा रूप, मालकिन, बिंदिया तू यहाँ कैसे? तुम्हारी खोज में मालकिन। मैं थक गई हूँ बिंदिया, यूं भूखे प्यासे भटकते फिरने से थकन ना होगी तो क्या होगा? इससे भटकना नहीं कहते बिंदिया, इसे कहते हैं त्याग और तपस्या। ऐसी बातें ना करो, चलो घर चलो, यूं अपना बना बनाया घर बर्बाद ना करो। घर बर्बाद हो जाएगा तो क्या, दिल तो आबाद हुआ है मेरा, उनके ध्यान से, उनकी याद से। अब जब तक उनकी नटेश्वर में जीत न होगी, मैं इसी तरह गुजर बसर करूंगी। मगर उनकी जीत पाने तक तुम्हें जिंदा तो रहना है, और जिंदा रहने के लिए खाना पीना ओढ़ना भी है। तू उसकी चिंता न कर, ये ले, इसे बेचकर एक इकतारा खरीद ला। इकतारा जा।
नहीं, सिर्फ मणि बाबू, मैं कुछ चुराने नहीं आया, सिर्फ किस्मत आजमाने आया हूं, प्रेम की बाजी पर एक और दांव लगाने। नीला, अब भी वक्त है, आओ मेरे साथ खरा बात कर लो, उसके पीछे जिंदगी बर्बाद ना करो। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, मेरा प्रेम सच्चा है। मगर ताली एक हाथ से नहीं बजा करती, तुम्हारा प्रेम तो तब पार उतरे जब उसे भी तुमसे प्रेम हो। न हो तो न सही, मेरी खुशी इसी में है कि वो खुश रहे, यश पाए और भारत नटराज कहलाए। और फिर, और याद रखो, हमारे घराने के लोग भारत नटराज की पदवी पा लेने के बाद शादी ब्याह का नाम लेते हैं। ये सपना तो अच्छा है, मगर वो भारत नटराज कहलाएंगे इसका क्या यकीन? मुझे विश्वास है उनकी कला पर, अपनी प्रार्थना पर। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी वो कामयाब हो, चाहे उस कोशिश में मुझे तड़प तड़प के अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम जान दे दोगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? इसलिए तुम्हारी और अपनी दोनों की जान बचाने के लिए मुझे यही कोशिश करनी पड़ेगी कि गिरधर को भारत नटराज का खिताब न मिले। दुष्ट, निकल यहां से। तुम्हारा ध्यान किधर है? जरा लही का तो ख्याल करो। तुम श्याम लही तार की गलती, क्या हो गया है तुम्हें? बाबा, मेरा नाचने को जी नहीं करता। नाचने को जी नहीं करता, क्या बकता है? चल उठ, thank you.
नीला सुनती हो या नहीं? क्या तुम मुझे पुकार रहे हो? हाँ, तुम्हें तुम्हें नीला। मगर मैं नीला नहीं हूँ, मैं तो कृष्णदासी हूँ। मुझे ज्यादा ना आजमाओ नीला, मैं तुम्हारे बुरे बर्ताव पर भी तुम्हें नहीं भूला, नहीं भूल सकता। तुम कृष्णदासी नहीं, गिरधर के दिल की रानी हो। तुम्हें शांति की जरूरत है, यूं अशांत मंदिर भटकने से कुछ न मिलेगा, न दी न दुनिया। मगर नीला, मेरी दुनिया तुम्हें हो। आ चलो यहाँ से कहीं दूर, तारों के झिलमिल तले, नीली रात की सेज पर, जान से आंख बचाएं, अपने अरमानों को मोहब्बत के हवाले कर दें। नीला, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। होश में आओ गिरधर, प्रेम के असली माने समझने की कोशिश करो। कला के तपस्वी और वैराग्य बनकर ऐसे मोह लालसा से बचने की कोशिश करो। तुम जैसी के मुझसे ये उपदेश, मैं समझ गया। अबे नया सॉल रचाया है तुमने कोई बहुत बड़ा शिकार धांधने के लिए। क्यों ना हो, आखिर छल कपट ही तुम्हारा धंधा है, धोखा फरेब तुम्हारा काम और तिल लुटना तुम्हारा पेशा। तुम कृष्णदासी के भेष में जहरीली नागन हो जिसका सर कुचल देना ही अच्छा। खून के जोश में अंधा मत बन, इसके खून के बदले तुझे फांसी मिलेगी। चल कुछ भी हो, मगर इस वक्त मैं इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। दीवाने, अंधे, क्या करता है? चल। अच्छा, आज तू बच निकली, मगर याद रख, अगर फिर कभी तू मेरे सामने आई तो तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। खड़ी खड़ी क्या दिखती है कलंकनी? तू दीवान पर तो काबू पा चुकी, अब इसकी आत्मा को बेचैन न कर। चली जा, भगवान के लिए यहां से चली जा। इतनी दूर जहां से किसी को मेरे मरने की खबर तक न आएगी, जहां मेरी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई न होगा, पास फटकने वाला कोई न होगा, सिर्फ एक लावारिस लाश होगी, सूखे पत्तों और तिनकों का कफन ओढ़े, जिस पर कहीं से कोई उल्टी हुई चिंगारी आन पड़ेगी और उसे धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देगी। तुझे मिल गई है और उस घड़ा बदलाने वाली थी हमारे, उसके तो मिल दिया। मैं इस घर में एक पल भी नहीं खेलता, मगर क्या करूं, घर की देखभाल जो करनी है। वो खा गई होगी। यही तो मैं पता लगाना चाहती हूँ, आज चार दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। अब फजूल बातें न कर, चल उन्हें ढूंढ। पर अब तो न जाने वो कहां से कहां निकल गई होगी, और अपने पास तो तांगे के पैसे। अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, चल मेरे साथ। क्या बात? चार दिन से मालकिन का कुछ पता नहीं। चार दिन से पता नहीं। मैं बदलू को कहती हूँ, जा जा। कोई जाता नहीं। मैं भी बिंदिया से कहता हूँ,
आती हूँ। मणि बाबू, मोटर में पेट्रोल काफी है ना? हाँ है। हाँ, अच्छा। घबराइए नहीं, ये आपकी मोटर कहीं ना कहीं मिली जाएगी। अरे अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? एक औरत बेहोश पड़ी है बेचारी, उसे जरा शहर तक पहुंचा दो। साधु महाराज, यहाँ एक ही औरत से कार बोझल हो रही है। क्या? दूसरी से बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सुना नहीं निर्दयी, कोई बेचारी बेहोश पड़ी है। लेकिन एम्बुलेंस का थोड़ी है, चलो आगे। मैंने कहा रोको। रोक ली भाई, रोक ली। मालकिन, क्या ये तुम्हारी मालकिन है? चलो मालकिन घर चलो। नहीं, तुम्हारे हाल अच्छी नहीं मालकिन। मैं जानती हूँ मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मरने से पहले एक बार उनके यश की खबर सुनूंगा तो क्या मुझे तपस्या का फल ना मिलेगा? कहते हैं प्राणी दुनिया से खाली हाथ जाता है, कि मैं जीवन भर के अरमान साथ लिए जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना होने दो, मुझे ले चलो वहां। वहां कहां मालकिन? उम्मीदवार
इनका मुकाबला करने के लिए बाकी नहीं रहा, इसलिए ठहरिए। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, गिरधर जी के मुकाबले के लिए एक कलाकार और बाकी है, श्री राम प्रसाद जी, आगरे वाले। बहुत अच्छा सज्जनों, अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी में मुकाबला होगा। इन दोनों के मुकाबले में जिनकी कला ज्यादा अच्छी होगी वही आखिरी स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य में आने के हकदार होंगे और उन्हीं को भारत नटराज की पदवी हासिल करने का मौका मिलेगा। अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी से कहा जाता है कि वो रंगमंच पर आकर अपना अपना कमाल दिखाएं। गिरधर बेटे। जी बाबा। जय नटेश्वर। अगर मैदान मार लो तो मुंह मांगा इनाम पाओ, 5,000। नहीं नहीं 10,000। देखते रहिए सरकार। शाबाश। पहले आप शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। और घुंघरुओं की आवाज से इसके शरीर में चेतना आने लगी है। इसे नृत्य से कोई आत्मिक लगाव है। आखिरी सभा है, अब स्त्री पुरुष वाले साझे नृत्य के लिए श्री गिरधर जी से कहा जाता है कि वो अपनी साथी रूपकला देवी के साथ शिव तांडव नृत्य करके दिखाए। तांडव के बाद पूजा नृत्य होगा, इस नृत्य में भी गिरधर जी और उनकी साथी रूपकला देवी अपना अपना कमाल दिखाएंगे।
इन सब नृत्यों के बाद ही भारत नटराज की पदवी का फैसला होगा। क्या कहा? नाच बिगाड़ दूं? नहीं नहीं माँ, महाराज से फिर धोखा ना करूंगी। तो गोया अपने आप को धोखा दोगी? लो ये बेशकी के 5,000 रुपए, बाकी 10,000 नाच चौपट होने पर। सोच लो 15,000 रुपए की रकम है, ऐसे 10 नटेश्वर उत्सव में नाचोगी तब भी इतने रुपए ना कमा सकोगे। रूपकला, सदियों पहले जब पृथ्वी पर घोर पाप, अनाचार और अत्याचार होने लगे, भगवान शंकर की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तांडव नाचना शुरू किया। वो पृथ्वी का नाश करने पर तुल गए। देवलोक और मृत्युलोक भयभीत होकर पार्वती माता के पास पहुंचे। पार्वती माता ने उनकी पुकार सुनी। अपने प्राणों को घोर संकट में डालकर वो शिवजी के पास पहुंची और उन्हें शांत कर दिया। ये है शिव तांडव की कथा। गिरधर जी की साथी रूपकला पार्वती के रूप में। क्यों नहीं? कूड़, निकम्मी, कुंवारी, कहाँ चली? मैं सबके सामने यहाँ गालियाँ खाए नहीं आई। ये लो अपनी पोशाक। न्याय पंचों से मेरी अर्ज है, रूपकला की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो नृत्य करने से लाचार है। गिरधर जी अकेले ही शंकर और पार्वती दोनों का नृत्य करेंगे। लेकिन मंगल महाराज, ये कैसे हो सकता है? न्याय पंचों से मेरी दरखास्त है कि अब गिरधर जी के बदले राम प्रसाद जी को मौका दिया जाए। ये अपनी साथी बांसुरी बाई के साथ साझे नृत्य के लिए तैयार है। सज्जनों, क्योंकि गिरधर जी साझा नृत्य नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जगह दूसरी श्रेणी के हकदार राम प्रसाद जी को उनकी साथी बांसुरी बाई के साथ नृत्य करने का अवसर दिया जाता है। गिरधर हट जाओ, रंगमंच से हट जाओ। वो नहीं हटेंगे। Thank you.
से भयंकर आंधी उठी। शिव शंकर की खोज में निकली हुई पार्वती को इस आंधी ने समेट लिया। चांद तारे टूट टूट कर गिरने लगे। फटने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरने लगे। शांत करने के लिए पार्वती ने विनती भाव का नृत्य शुरू किया। गुस्सा छोड़ो गिरधर। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी कला की बढ़ाई के लिए, विश्वास करो गिरधर, तुम्हारे सिवा तुम्हारे नीला के दिल में और कोई नहीं होगा। तुम्हें भारत नटराज के पदवी का वास्ता, मान जाओ गिरधर, मान जाओ। शिव जी शांत हुए और पृथ्वी का नाश करने वाला त्रिशूल पार्वती के हाथ सौंप दिया। Ah!
जनों, नटेश्वर का न्याय बड़े आदर और उत्साह के साथ गिरधर जी और नीला देवी के साझे नृत्य को मान देता है और भारत नटराज की पदवी का हकदार गिरधर महाराज को ठहराता है। बोलिए भारत नटराज। नीला, तुम जा रही हो? मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा कर चले। देखो, तुमने एक शिष्या का धर्म भी पूरा किया, नृत्य कला की लाज भी रखी, गिरधर को पदवी दिलाई, नटेश्वर को भी प्रसन्न किया, मगर हमारी गुरु दक्षिणा जो महाराज की आज्ञा। आओ अब तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ और कला की सेवा में फूलते फलते रहो। Do not.